नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। याद करिए, गोरखपुर के राघव मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के कहर से दम तोड़ते बच्चों की वो दर्दनाक तस्वीर, और याद करिए दम तोड़ते बच्चों के बहाने अपनी सियासत साधने वाली कांग्रेस को, जिसने कांग्रेस नेताओं की एक टीम गोरखपुर भेजी थी। कांग्रेस नेताओं ने लगातार वहां का न केवल दौरा किया बल्कि योगी सरकार से इस्तीफा देने को भी कहा था। कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि योगी जी से गोरखपुर नहीं संभल रहा है, वे उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे। गोरखपुर की घटना पर सीएम योगी से इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस ने आज राजस्थान के कोटा में हो रही मासूमों की मौत पर चुप्पी साध ली है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार जो है। कांग्रेस की इसी चुप्पी पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के साथ ही प्रियंका गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी की सियासत में कुछ ज्यादा ही सक्रिय है, जिसने कहीं ना कहीं मायावती की टेंशन बढ़ा दी है। इसीलिए वो आजकल प्रियंका गांधी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रही है। उन्होंने इस बार राजस्थान के कोटा में दम तोड़ते बच्चों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस समेत प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, कांग्रेस शासित राजस्थान के कोटा जिले में हाल ही में लगभग 100 मासूम बच्चों की मौत से माओ का गोद उजड़ना अति दुखद व दर्दनाक है, तो भी वहां के सीएम गहलोत स्वयं व उनकी सरकार इसके प्रति अभी भी उदासीन, असंवेदनशील व गैर जिम्मेदार बने हुए हैं, जो अति निंदनीय किंतु उससे भी ज्यादा अति दुखद है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व खासकर महिला महासचिव की इस मामले में चुप्पी साधे रखना। अच्छा होता कि वो यूपी की तरह उन गरीब पीड़ित माओं से भी जाकर मिलती, जिनकी गोद केवल उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही आदि के कारण उजड़ गई है। मायावती ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के कोटा में जाकर मृतक बच्चों की माओ से नहीं मिलती हैं, तो यहां अभी तक किसी भी मामले में यूपी पीड़ितों के परिवार से मिलना केवल इनका ये राजनीतिक स्वार्थ व कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी, जिससे यूपी की जनता को सतर्क रहना है। कोटा में बच्चों की मौत पर कांग्रेस के साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन जब योगी सरकार करीब 2 साल पहले इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों के समुचित इलाज में लगी हुई थी, तो गोरखपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह और प्रमोद तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को आड़े हाथों लिया था। उस वक्त गुलाम नबी आजाद ने कहा था, ये मौत नहीं हत्या है और सरकार को इसके लिए बिना शर्त देश, बच्चों के माता पिता और जनता से माफी मांगनी चाहिए। बच्चों की मौत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेनी होगी। बता दें, राजस्थान के कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 48 घंटों में 9 बच्चों की मौत के साथ ही यह आंकड़ा अब 100 के पार पहुंच गया है। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रविवार को अस्पताल का निरीक्षण भी किया था।